नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य अत्रे। पूरा भारत देश अपने मून मिशन चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की आस में बैठा हुआ है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से हर किसी को उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान 3 से जुड़ी पल पल की जानकारी शेयर कर रही है। ये मिशन भारत के लिए काफी अहम है, लेकिन इससे पहले पूरी दुनिया की नजर रूस के मिशन पर टिकी हुई थी, जो भारत से पहले चांद पर लैंड करने वाला था, लेकिन चांद पर पहुंचने की रेस में रूस भारत से पीछे हो गया है। रविवार यानी बीते दिन रूस का मिशन लूना 25 चांद से टकराकर क्रैश हो गया। 21 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 की लैंडिंग से दो दिन पहले रूस के लूना 25 को चांद पर उतरना था। वहीं चंद्रयान 3 इस वक्त चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, और सब कुछ ठीक रहा तो वह 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन रूस के नाकाम होने के बाद सभी की उम्मीदें अब भारत पर टिकी हुई है। लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे कि अगर 23 अगस्त को भारत का जो मिशन है वो लैंड नहीं कर पाता, तो इसके बाद ऐसा कौन सा दिन होगा जब जो चंद्रयान 3 है उसके लिए जो परफेक्ट लैंडिंग का जो समय होगा वो होने वाला है। देखिए हमारी इस विशेष पेशकश में। लेकिन पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूस का मिशन लूना 25 क्यों फेल हुआ। दरअसल रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मोस का कहना है कि लैंडर लूना 25 एक ऐसे कक्ष में चला गया था जिसके कारण उसका संपर्क टूट गया, और संपर्क नहीं होने के कारण चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। शनिवार को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया था। इससे पहले रूस ने 1976 के सोवियत काल के बाद पहली बार 10 अगस्त को अपना चांद मिशन भेजा था। वहीं भारत का चंद्रयान 2 भी 4 साल पहले चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का भारत का पिछला प्रयास 6 सितंबर 2019 को उस वक्त असफल हो गया था जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन चांद पर भारत की सफल लैंडिंग किस तरह होगी, अब इसे लेकर बात करते हैं। 17 अगस्त को चंद्रमा के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूलर विक्रम खुद ही आगे बढ़ रहा है, और अब चांद से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि लैंडर मॉड्यूलर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले अंदरूनी जांच की प्रक्रिया से गुजरेगा। लैंडर मॉड्यूलर में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम की गोद में बैठकर चांद की करीबी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो का कहना है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूलर के 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने कहा था कि लैंडर मॉड्यूलर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। रविवार को इसरो ने बताया कि दूसरे और अंतिम डी बूस्टिंग प्रक्रिया में लैंडर मॉड्यूलर सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया है। मॉड्यूलर अब आंतरिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा। लैंडिंग स्थल पर सूरज निकलने का इंतजार करेगा। 23 अगस्त को जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह को छुएगा तो उसकी गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा और स्टडी शुरू करेगा। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि 23 अगस्त को लैंडिंग नहीं हो पाती है तो फिर हमें और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट की माने तो 23 अगस्त को मून पर लूनर डे की शुरुआत होगी। चांद पर एक लूनर दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी लाइफ एक लूनर दिन की है, क्योंकि वे सोलर पावर से चलते हैं, इसलिए उन्हें काम करने के लिए सूरज की जो रोशनी है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी वजह से 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो अगले दिन फिर कोशिश करेगा। अगर उस दिन भी वह लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाती है तो फिर अगले 29 दिन या पूरे महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक लूनार डे और एक लूनार नाइट के बराबर है। द नगरी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़।